हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ साइंस के चैप्टर वन के लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोगों ने देखा था वो हम देख रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके फ्रेंड्स, इवेपोरेशन भी एक टाइप का इंटर कन्वर्जन ही है। अब तक जो हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन देखा उसमें दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे किसी भी स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन में, और वो दो फैक्टर कौन कौन से थे, तो डैट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे तो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे तो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है ना। फिर जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो इस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस होता है, दैट इज़ गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है, जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन होता है जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। ओके, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्जन, दैट इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉयलिंग। अगेन गैसियस टू लिक्विड स्टेट कन्वर्जन इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट कन्वर्जन इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अगेन गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, दूसरे फैक्टर की बात करें, डैट इज़ प्रेशर। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉलिड एंड लिक्विड पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसेस में जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी गैस पे, किसी भी गैसियस पार्टिकल्स पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। फर्दर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करने के साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करते जाते हैं तो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद वो सॉलिडिफाइड भी हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रेशर का इफ़ेक्ट गैसियस स्टेट पे देखा जाता है। गैसेस कैन बी लिक्विफाई एज वेल एज इट कैन बी सॉलिडिफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर विद रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो भी देखा उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे या फिर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उसमें टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज किए बगैर ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, है ना। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि गर्मी के दिनों में हमें बहुत स्वेटिंग होती है, आप सभी को होती है ना। तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि जो ये स्वेटिंग होती है तो कुछ समय के बाद अगर हम कुछ समय के बाद हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो स्वेट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है ना। तो वो जो वाटर वेपर्स था स्वेटिंग होने से, जो वाटर वेपर्स थे वो आखिर कहाँ डिसअपीयर हो जाते हैं। इसी तरह का एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं, ड्राइंग क्लॉथ्स
जब हम गीले कपड़े को सुखाते हैं तो वो क्यों सूख जाते हैं? आखिर उसमें का जो वाटर वेपर्स है, जो वाटर है, वो कहाँ गायब हो जाता है ना? फिर आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे फर्श पे अगर पानी गिर जाता है तो कुछ समय के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो वाटर लेवल उसका धीरे धीरे कम होता जाता है, पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। तो ये पानी का लेवल कम क्यों हो रहा है? स्वेट कुछ समय के बाद गायब क्यों हो जाता है? जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उस कपड़े का जो पानी था, उसमें जो वाटर थे, वाटर पार्टिकल्स, वो कहाँ गायब हो जाते हैं? तो एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है कि ये जो वाटर पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से इनका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, और कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं। फर्श पे पानी गिरा हुआ है वो बिना पोछे सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारा जो स्वेट होता है उसको भी हम बिना वाइप आउट किए ही वो देखते हैं कि वो डिसअपीयर हो जाते हैं कुछ समय के बाद, है ना? तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होते जाते हैं, ओके, जिसकी वजह से इनका लेवल कम होता जाता है और धीरे धीरे ये डिसअपीयर हो जाते हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर भी लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है गैसियस स्टेट में, ठीक है। स्वेट जो होता है वो भी लिक्विड फॉर्म है ना? कपड़े सुखाते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, दैट इज़ आल्सो लिक्विड। और भी किसी और एग्जांपल को अगर हम ले लें, जैसे कि इंजेक्शन से पहले जो एस्पिरेट लगाया जाता है वो कुछ समय के बाद अपने आप सूख जाता है ना? फिर आप परफ्यूम को ले लो, परफ्यूम आप स्प्रे करते हो, कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जो वेट हो जाता है वो अपने आप ड्राई हो जाता है ना? तो ये सारे एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले भी हमने एक प्रोसेस देखा था, वेपराइजेशन, जहाँ पर लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, है ना? तो फिर यहाँ पे हम इस प्रोसेस को वेपराइजेशन नहीं कह करके इवेपरेशन क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों? यहाँ पर भी तो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसे इवेपरेशन क्यों कह रहे हैं? अभी जो मैंने जो भी एग्जांपल्स बताए उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम इवेपरेशन क्यों कह रहे हैं? दोनों ही प्रोसेस में तो सेम कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था और यहाँ भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो एक्चुअली यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझते हैं, है ना? एक्चुअली में वेपराइजेशन प्रोसेस में हमने देखा था कि किसी भी लिक्विड को बॉयल होने के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर की ज़रूरत हो रही थी। एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाने के बाद ही कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, यानी कि जब तक हम हीट एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं होता है, कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन इवेपरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि बिना हीट एनर्जी सप्लाई किए कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे वेपराइजेशन में हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी होती है, जब तक लिक्विड के पार्टिकल्स को सफिशिएंट हीट एनर्जी नहीं मिल जाती है वो वाटर वेपर में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन इवेपरेशन प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करने पर भी ये खुद ब खुद इवेपरेट होते हैं। वेपराइजेशन में किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए
एक सर्टेन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, एक सर्टेन हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक सफिशियंट हीट अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक उतना हीट एनर्जी वाटर किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स को नहीं मिलता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो किसी भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है। इवेपोरेशन किसी भी लेवल पे, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। यानी कि अगर वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहता है जब तक टेम्परेचर, ये वाटर बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता है, ये वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि जब हम फ्लोर पे पानी गिरा देते हैं तो कुछ समय के बाद इसका लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, एज़ वेल एज़ ये सूख जाता है। यानी कि ये वाटर जो गिरा था फ्लोर पे, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे तो हम कोई हीट एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी ये पानी कहाँ गायब हो गया, ये वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो वेपराइजेशन में हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी होती है और इवेपोरेशन प्रोसेस नेचुरली होता है। यानी कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के कोई भी टेम्परेचर हो तो उस पर लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वैसा फेनोमेनन जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट तो होता है लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं और इवेपोरेशन को हम वेपराइजेशन क्यों नहीं कहते हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर का, हीट एनर्जी का। वेपराइजेशन में हम हीट एनर्जी सप्लाई करके, टेम्परेचर इंक्रीज करके वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और तब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी लिक्विड के सरफेस पे, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वाटर की ही बात हो, है ना, कोई भी लिक्विड है तो उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सराउंडिंग से, इनके आसपास में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इनके आसपास में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनसे क्या करते रहते हैं, वो कोलाइड होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। जब ये अपना मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इनका मूवमेंट रैंडम होता है। ठीक है, ये रैंडम मूव कर रहे होते हैं, किसी एक डायरेक्शन में नहीं करते हैं, इनका मूवमेंट रैंडम होता रहता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और जब ये टकराते हैं तो एक पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी कोलिजन के ड्यूरिंग क्या होता है कि एक पार्टिकल्स की एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट इस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, इसी कोलिजन की वजह से ये अपने आसपास के पार्टिकल्स से भी एनर्जी गेन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो इस इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद ये इनकी पार्टिकल्स की, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशियंट हो जाती है
कि ये अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लायक हो जाते हैं, एज वेल एज ये अपने नीचे के जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस के नीचे जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनके पास हीट एनर्जी भी सफिशिएंट हो जाती है। अब ये क्या करते हैं, ये इजीली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं और ये वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये अपने आसपास अपने सराउंडिंग से जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं उनसे ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिससे इनके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, सफिशिएंट हो जाती है, एज वेल एज ये अपने सरफेस लेवल से नीचे जो भी पार्टिकल्स हैं उनसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनसे जिनके कारण इनके पास हीट एनर्जी भी सफिशिएंट हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लायक हो जाते हैं, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर लेते हैं, जिस अट्रैक्टिव फोर्स से ये एक दूसरे से बंधे हुए थे अब वे फ्री हो जाते हैं और वाटर से वाटर वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से कर रहे हैं, सरफेस के नीचे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ये हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी इन्हें कहाँ से मिल रही है, अपने सराउंडिंग के पार्टिकल से मिल रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें हीट एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी इनके सराउंडिंग के पार्टिकल से मिल जा रही है, और बिना हीट एनर्जी सप्लाई किए कैसे ये कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर वेपर में, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हीट एनर्जी अपने नीचे के पार्टिकल से गेन कर ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये कन्वर्जन होता है, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनके नीचे के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी तो कोलिजन होता है ना, सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं, तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है, लेकिन ये वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक ये सरफेस पर नहीं पहुँचेंगे ये अपने नीचे के पार्टिकल से हीट एनर्जी गेन नहीं करते हैं। जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वही हीट एनर्जी गेन करते हैं अपने नीचे के पार्टिकल से। काइनेटिक एनर्जी तो इसकी भी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी भी इंक्रीज़ हो रही है ना, लेकिन ये अभी वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक ये सरफेस पे प्रेजेंट ना हो। तो एक पार्टिकल वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है, सफिशिएंट हो गई है, वो अब उस सरफेस पे पहुंच जाते हैं और फिर ये हीट एनर्जी गेन करते हैं नीचे के पार्टिकल से, अगेन ये वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और हम देखते हैं कि पानी का लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इवेपोरेशन होता है, वाटर के पार्टिकल्स या किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, अपने सराउंडिंग के पार्टिकल्स से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और अपने नीचे के पार्टिकल से जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट हैं सिर्फ वही पार्टिकल्स अपने नीचे लेवल के पार्टिकल से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी सफिशिएंट हो जाती है, हीट एनर्जी भी सफिशिएंट हो जाती है, और तब ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर से वाटर वेपर में। ओके, इसी तरह से स्वेट का भी कोई बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के लेवल पे स्वेट कैसे कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होती है कि जब स्वेटिंग होती है तो स्वेट के जो सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स वो क्या करता है, हमारे बॉडी सरफेस से हीट एनर्जी गेन कर लेता है, अपने सराउंडिंग से ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, जिसके कारण सरफेस पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और ये हमारे बॉडी सरफेस से
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके पास हीट एनर्जी भी सफिशिएंट हो जाती है। एंड देन ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और चूँकि ये हमारे बॉडी सरफेस से हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो ये जो हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं, इस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसी के फॉर्म में ये हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं, ठीक है। और चूँकि ये हमारे बॉडी सरफेस से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है स्वेट के द्वारा, स्वेट के पार्टिकल्स के द्वारा, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी सरफेस का टेम्परेचर लो होता है ना। जब हीट एनर्जी सप्लाई हो जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो हमें कूल फील होता है, हमें ठंडक महसूस होती है, स्वेटिंग के बाद हम कूल फील करते हैं, है ना। तो वो इसी वजह से होता है कि हमारे बॉडी सरफेस से हीट एनर्जी सप्लाई हो जाती है स्वेट के पार्टिकल्स को, और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वेपरेशन प्रोसेस होती है। वाटर, ये जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, इवेपरेट हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट हम कूल फील करते हैं। इसी वजह से गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हम फ्लोर पे पानी डालते हैं, वो पानी धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब जो पार्टिकल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नीचे के यानी कि रूफ़ पे, जो रूफ़ से सटे हुए जो वाटर पार्टिकल्स हैं, उनसे हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूफ़ पे प्रेजेंट वाटर का हीट एनर्जी कम हो जाता है और रूफ़ का टेम्परेचर लो हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। ओके, आई होप आपको इवेपरेशन प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फैक्टर्स की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ देखते हैं जिससे हमें, हम ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि आखिर एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है ना। जैसे कि जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो हम देखते हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, फिर अगर आप किसी गीले कपड़े को फोल्ड करके धूप में रखोगे और उसी के साथ साथ सेम टाइम पे अगर आप उसी गीले कपड़े को अच्छे से खोल करके फैला दोगे धूप में, तो फिर आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो कपड़ा हमने खोल करके रखा है वो जल्दी सूख जाता है, जो कपड़े हमने फोल्ड करके रखे थे वो देर से सूखते हैं, लेकिन जो कपड़े हमने खोल करके रखे थे वो जल्दी सूख जाते हैं। तेज़ हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लो विंड, है ना। इसी तरह से गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं लेकिन बारिश के दिनों में नहीं सूखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है इवेपरेशन। ऐसा इवेपरेशन को कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया कि जब हम किसी गीले कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन अगर हम उसे खोल करके अच्छे से फैला करके रख देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा था तो इसके बस थोड़े से पोर्शन से ही वाटर के पार्टिकल्स इवेपरेट हो पा रहे थे, है ना। इवेपरेशन में जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं इवेपरेट होना, तो ये टर्म यूज़ होगा इवेपरेट, तो आप लोग समझ जाओगे कि इवेपरेट होना यानी कि वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। ओके, तो जब हम किसी कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं, इसका छोटा सा पोर्शन खुला हुआ होता है और उसी छोटे से पोर्शन से ही इवेपरेशन हो पाता है, पूरे कपड़े के पूरे सरफेस से इवेपरेशन नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम कपड़े को फैला करके रखते हैं, खोल करके रखते हैं, तो इसके पूरे सरफेस से इवेपरेशन होता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन जब हम कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं तो इसके थोड़े से पोर्शन से इवेपरेशन हो पाता है, बाकी के पोर्शन
अंदर बंद रहते हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होता है, तो कपड़े देर से सूखते हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम सरफेस बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं किसी भी सब्सटेंस का, जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर दो तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हुआ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज़ करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ होता है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी नो दैट इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। तो चूंकि जो भी लिक्विड के जो भी पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वही वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इवेपोरेशन को हम सरफेस फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होते हैं, इसलिए इसे हम सरफेस फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट नहीं होते हैं, सरफेस पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वही इवेपोरेट होते हैं, इसलिए इसको हम सरफेस फिनोमिना भी कहते हैं। लेकिन वेपराइजेशन में क्या था कि वेपराइजेशन में कोई भी पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे थे, इसलिए वहाँ पे हम उसको सरफेस फिनोमिना नहीं कहेंगे, ठीक है। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जब हम कपड़े को खोल करके फैलाते हैं तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फोल्डेड क्लॉथ्स। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर। जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया है कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में कपड़े देर से सूखते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो धूप होती है वो बहुत अच्छी धूप निकलती है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है एटमॉस्फेयर का, सोलर एनर्जी ज़्यादा सप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूखते हैं। लेकिन विंटर सीज़न में टेम्परेचर लो रहता है, इस वजह से कपड़े देर से सूखते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स सन से जो सोलर एनर्जी सप्लाई हो रही है, उस सोलर एनर्जी को वाटर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वाटर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और जब वाटर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हम लोगों को ये बात पहले से पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब ये वाटर पार्टिकल्स सन से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका टेम्परेचर राइज होगा, और जब टेम्परेचर राइज होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनका मूवमेंट फास्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये जल्दी जल्दी वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा सोलर एनर्जी सप्लाई होती है तो वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज होती है, और ये ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर में, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो सोलर एनर्जी कम सप्लाई होती है, टेम्परेचर लो रहता है, जिसकी वजह से कपड़े में जो वाटर पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी लो रहती है, उनका मोशन स्लो रहता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर से कन्वर्ट हो पाते हैं वाटर वेपर में, और कपड़े देर से सूख पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। डेट इज़ मेंशन हेयर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। फर्स्ट क्या था, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है। सेकंड फैक्टर,
रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. थर्ड फैक्टर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी एयर में वाटर वेपर का कंसेंट्रेशन कितना है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर. हमारे आसपास जो एयर मौजूद है वो एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही एकोमोडेट करते हैं. किसी भी गिवन टेम्परेचर पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही वो एकोमोडेट करते हैं, उससे ज़्यादा के पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. ओके, तो इसे आप एक एग्ज़ाम्पल से समझो, एक डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल से, कि हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं. तो एक्चुअली में क्या होता है कि बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि एयर में वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ही हाई होता है. ठीक है, तो चूँकि बारिश के दिनों में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए रहते हैं एयर के पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े में जो वाटर पार्टिकल्स मौजूद है उनका इवेपोरेशन होता है, तो उस वाटर वेपर को एयर के पार्टिकल्स कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सफिशियंट वाटर वेपर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वाटर वेपर जो वाटर पार्टिकल्स कपड़े में जो वाटर पार्टिकल्स थे उसे एयर कंज्यूम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कपड़े देर से सूखते हैं. तो इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में वाटर अमाउंट ऑलरेडी हाई है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन स्लो होता है. तो तीसरा फैक्टर ये हो गया क्या कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. तीसरा फैक्टर क्या हुआ, ह्यूमिडिटी. जब ह्यूमिडिटी लो रहती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है. अभी तक जो हम लोगों ने देखा दो फैक्टर, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. बट ह्यूमिडिटी के केस में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. फोर्थ फैक्टर की बात करें, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली में क्या होता है, चूँकि हम सभी जानते हैं कि एयर क्या है, मैटर है, तो एयर के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम कपड़े डालते हैं तो एयर के पार्टिकल्स के पास जो वाटर वेपर मौजूद रहता है पहले से, है ना, अगर हम बारिश के दिनों की बात करें तो एयर के पास वाटर वेपर का अमाउंट ऑलरेडी हाई रहता है, जिसकी वजह से कपड़े में से जो वाटर के पार्टिकल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं उस वाटर वेपर को ये एयर कंज्यूम नहीं कर पाता है, कम अमाउंट में कंज्यूम कर पाता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी है. लेकिन अगर हवा चलेगी, तेज़ हवा चलती है, तो ये जो एयर है ये शिफ्ट हो जाता है, फिर दूसरी एयर इस जगह पर आती है जिसके पास वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है इसकी कंपैरिजन में, तो ये ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं वाटर वेपर को. इसी तरह से फिर ये जल्दी से शिफ्ट हो जाता है, फिर कोई दूसरा एयर यहाँ पे आता है जिसके पास वाटर वेपर और भी कम है, तो ये इस कपड़े से निकले हुए वाटर वेपर को एब्जॉर्व कर लेता है. तो जब हवा तेज़ चलती है तो एयर के पार्टिकल जल्दी जल्दी शिफ्ट होते जाते हैं, और जब एयर के पार्टिकल्स जल्दी जल्दी शिफ्ट होते जाते हैं तो इसके साथ साथ वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं एयर में मौजूद, एयर ने जो एब्जॉर्ब कर रखा है वो भी शिफ्ट होते जाते हैं, जिसकी वजह से इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसकी वजह से जब तेज़ हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख पाते हैं.
तो यानी कि जब विंड की स्पीड हाई होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है. दैट इज मेंशन हेयर. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड. जब विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हवा के साथ साथ वो शिफ्ट होते जाते हैं. नए एयर पार्टिकल्स आते हैं और वो कपड़े में जो मौजूद है वाटर के पार्टिकल्स उनको वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है. ठीक है, तो हवा का स्पीड जब इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है. ओके, तो ये फोर्थ फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला हमने क्या देखा, सरफेस एरिया. जब हम सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस. रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, है ना. फोर्थ हमने क्या देखा, विंड वेलोसिटी, विंड स्पीड. जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हवा के साथ साथ जो एयर के पार्टिकल्स शिफ्ट हो रहे हैं उसके साथ साथ वाटर वेपर के पार्टिकल्स भी शिफ्ट होते जाते हैं, जिसकी वजह से एयर के पार्टिकल्स को मौका मिल जाता है नए वाटर वेपर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने का, और वो हमारे कपड़े के जो एयर पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स हैं उसको वो ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है. ठीक है, तो ये चार फैक्टर हैं. पहला क्या, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. दूसरा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. थर्ड, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. एंड फोर्थ, इंक्रीज इन विंड स्पीड. ये फोर फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं. इसमें से तीन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इवेपोरेशन का, और एक ह्यूमिडिटी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. बाकी तीन जो फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, इस तीनों के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है. सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, एंड विंड स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना. तो ये थे फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. ये चार फैक्टर्स हैं, ये आप लोग याद रखेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे. ओके, और ये आपके डेली लाइफ के लिए भी वेरी वेरी यूजफुल है, है ना. अब आगे बात करते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है. इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड. तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को जब हम ओपन करके रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट इवेपोरेट होता रहता है, तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने सराउंडिंग के पार्टिकल्स से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और अंडरनेथ पार्टिकल्स जो होते हैं, सरफेस के नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनसे वे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो ये अपने सराउंडिंग के पार्टिकल्स से, या अगर हम बड़ी सरफेस की बात करें तो बड़ी सरफेस से सटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि इनके पास सफिशियंट एनर्जी हो सके और ये इवेपोरेट हो पाएँ. ठीक है, तो अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर लेते हैं और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं.
तो चूंकि सराउंडिंग से एनर्जी सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर लो हो जाता है सरफेस का, है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाता है, तो कूलिंग इफ़ेक्ट कॉज होता है, सराउंडिंग के जो सरफेस होती है वो पहले से कूल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इवेपरेशन होने से कूलिंग इफ़ेक्ट कॉज होती है, इवेपरेशन के माध्यम से क्या होता है, कूलिंग इफ़ेक्ट कॉज होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसिड ऑन नेल पॉलिश रिमूवल ऑन योर पाम, अगर आप अपने हाथ पे हथेली पे कुछ एसीटोन का अमाउंट डालते हो तो आप कैसा फील करते हो, आपको कूल फील होगा, वाई, इसलिए बिकॉज जब हम अपनी हथेली पे एसीटोन डालते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, इवेपरेशन होता है, एसीटोन के सरफेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने नीचे के पार्टिकल से हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं, सराउंडिंग के पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, एंड देन ये इवेपरेट हो जाते हैं, और चूंकि ये एनर्जी गेन कर लेते हैं इसलिए नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पाम से सटे हुए पार्टिकल्स होते हैं, उनका टेम्परेचर लो हो जाता है, उनकी हीट एनर्जी लो हो जाती है, तो इस वजह से हमें कूल फील होता है, हमारी हथेली ठंडी हो जाती है क्योंकि इसका टेम्परेचर लो हो जाता है। ओके, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जब बहुत तपिश वाली गर्मी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, अपने छतों पे पानी डालते हैं, है ना, या फिर ओपन ग्राउंड में पानी स्प्रिंकल करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिल सके, है ना, हमें ठंडक मिल सके। तो एक्चुअली में क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है रूफ़ का, ओपन ग्राउंड का, तो जिसकी वजह से ज़्यादा इवेपरेशन होता है, जितना ही सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं इवेपरेशन की रेट भी उतनी ही इंक्रीज होती है, तो चूँकि इवेपरेशन होगा तो सरफेस का, रूफ़ के सरफेस का टेम्परेचर लो होता है और हमें कूल महसूस होता है, हमें ये वाटर जो है कूल करने में हेल्प करते हैं, हॉट सरफेस को कूल करने में हेल्प करते हैं इसे, है ना। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपरेशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, एक तो ये कि स्वेटिंग होती है तो हमें स्वेटिंग के बाद कूलिंग फील होती है, उसके बाद फिर जब हम हथेली पे एसीटोन डालते हैं, या फिर परफ्यूम की बात कर लो या एस्पिरिट की बात कर लो, तो ये सब से हमें कूलिंग फील होता है, कूल फील होता है। इसी तरह से रूफ़ पर पानी डालने से वहाँ पर की ज़मीन ठंडी हो जाती है ना, कहीं पे भी अगर आप पानी डालते हो तो उसके बाद वो सरफेस कूल हो जाता है, क्योंकि इवेपरेशन के दौरान क्या होता है, इवेपरेशन के बाद वहाँ पर के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है और वो सरफेस कूल हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, आप गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हो, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है इवेपरेशन का ही। एक्चुअली में क्या होता है ना कि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, कॉटन का जो क्लॉथ्स होता है वो स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका इवेपरेशन इजीली हो जाता है। कॉटन के क्लॉथ्स वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे स्वेटिंग को, हमारे स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब स्वेट के पार्टिकल्स कॉटन क्लॉथ्स के सरफेस पे आ जाते हैं और उनका इवेपरेशन इजीली हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपरेशन से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट कॉज होता है और हमें ठंडक महसूस होती है, हम आराम फील करते हैं, इसलिए हम गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ड्यूरिंग समर
वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। गर्मी के दिनों में हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है ना, जो कि हमारे बॉडी को कूल रखता है। थर्मोरेगुलेशन भी हम कहते हैं इसे, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, बैलेंस करके रखना, ये स्वेटिंग के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। स्वेटिंग होती है और हमें कूलिंग मिलती है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के सर्फेस पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं अपने सराउंडिंग से और बॉडी सर्फेस से, एंड चेंज इनटू वेपर। अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और बॉडी सर्फेस से हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं जिसके कारण उनके पास सफिशियंट एनर्जी हो जाती है और वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाते हैं एंड देन कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट एनर्जी हमारे बॉडी सर्फेस से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है और हमारा बॉडी कूल फील करता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया। और लो क्यों हुआ? क्योंकि हीट एनर्जी सप्लाई हो गई किसको? स्वेट के पार्टिकल्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कूल महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है। तो कॉटन के क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन के क्लॉथ्स जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, जो कि स्वेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और जब स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं तो स्वेट के पार्टिकल्स का इवेपोरेशन ईजिली हो पाता है और हमें कूलिंग फील होता है, इसलिए हम ये कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब आप फ्रिज में से पानी निकाल करके ग्लास में रखते हो तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स, उस ग्लास के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो जाते हैं आउटर सरफेस पे ग्लास के। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों देखते हैं? वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाते हैं? पानी तो ग्लास के अंदर रखा हुआ है, तो फिर ये बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं वो कहाँ से आ जाते हैं? तो एक्चुअली में क्या होता है कि एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ये अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, है ना। तो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, ग्लास में जो पानी रखा हुआ है उसके कांटेक्ट में आते हैं। और जैसे ही ये एयर में मौजूद वाटर वेपर इस ग्लास के कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि उस वाटर वेपर की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा है, टेम्परेचर लो है, तो उस वाटर वेपर की भी एनर्जी लो हो जाती है। टेम्परेचर लो होने से काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देते हैं वो, और जब काइनेटिक एनर्जी लूज़ होती है तो वाटर वेपर किस स्टेट में आ जाएगा? वाटर वेपर अभी किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है ना। तो जब एनर्जी लूज़ होती है, जब काइनेटिक एनर्जी लूज़ होगी तो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन स्लो होगा। जब मोशन स्लो डाउन होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्या होगा कि वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। तो वही वाटर वेपर जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसे ही हम वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखते हैं ग्लास पे। हमने ग्लास में पानी ठंडा रखा, उस ठंडे पानी के कॉन्टैक्ट में सराउंडिंग में जो मौजूद है वाटर वेपर वो उस वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता है, कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर लो है, जिसकी वजह से उस वाटर वेपर का भी टेम्परेचर लो हो जाता है कॉन्टैक्ट में आने पर। और जब वाटर वेपर का टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देते हैं, सभी पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और वो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो डैट इज़ वाटर, तो उसे ही हम वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इवेपोरेशन
कब होता है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो डैट इज़ सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। सेकंड, टेम्परेचर। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। थर्ड, व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। फोर्थ फैक्टर, विंड स्पीड। विंड स्पीड जब हाई रहती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के साथ साथ वाटर वेपर के पार्टिकल्स शिफ्ट होते जाते हैं और नए वाटर वेपर को कंज्यूम करने का मौका मिलता जाता है एयर के पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स थे। इसके बाद हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा कि गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों हमें पहनना चाहिए। तो क्योंकि कॉटन के क्लॉथ्स जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम स्वेटिंग करते हैं तो उस स्वेट को कॉटन के क्लॉथ्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और जब अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो उनका इवेपोरेशन ईजिली होता जाता है और हमें कूल फील होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। क्यों कॉज करते हैं कूलिंग इफेक्ट? क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने सराउंडिंग से और बड़ी सरफेस से एनर्जी गेन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से बड़ी सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या कि वो पहले गर्म था और अब कूल हो गया, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। तो ओवरऑल हमने पूरे चैप्टर्स में क्या क्या जाना उसे हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब क्या क्या देखा है उसे हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। और मैटर है क्या? तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें मास होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं, है ना। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थ्री स्टेट्स में प्रेजेंट होता है मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। ठीक है, स्पेस की बात करें तो स्पेसेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स मिनिमम होता है इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होती है। लिक्विड की बात करें तो उसमें इंटरमीडिएट होता है एंड मैक्सिमम इन गैसेस। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में जो स्पेस होता है हाई होता है। ठीक है, अरेंजमेंट की बात करें तो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो वो एक दूसरे के आसपास स्लिप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक दूसरे के अराउंड में, है ना, स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। लेकिन गैसेस में क्या होता है कि उनका कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, वो बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट पाया जाता है गैसेस में। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरकन्वर्जन पॉसिबल है, यानी कि सॉलिड गैस स्टेट में गैसियस सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, एज वेल एज गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स।
ठीक है। और ये सब कैसे पॉसिबल है, तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन किसे कहते हैं हम, सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना गैसियस स्टेट में विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इसका जस्ट अपोजिट डिपोजिशन, गैसियस स्टेट का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना सॉलिड स्टेट में विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। बॉइलिंग, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इन टू वेपर स्टेट। तो बॉइलिंग में क्या होता है, ये एक बल्क फेनोमेनन है, बल्क यानी कि होल, तो वाटर के सभी पार्टिकल्स इवेपरेट होते हैं, सभी पार्टिकल्स वेपराइज होते हैं बॉइलिंग में। बट इवेपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, इवेपरेशन में सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वही एनफ एनर्जी गेन करते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाते हैं, और सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स ही इवेपरेट हो पाते हैं, इसलिए ये सरफेस फेनोमेनन है। और बॉइलिंग में क्या होता है कि सभी पार्टिकल्स वाटर के सरफेस पे जो प्रेजेंट है, जो नीचे में प्रेजेंट है, सभी पार्टिकल्स इवेपरेट हो पाते हैं, वेपराइज हो पाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो पाते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं बल्क फेनोमेनन। और इवेपरेशन में सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स ही लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं सरफेस फेनोमेनन। द रेट ऑफ इवेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। ये चार फैक्टर पे रेट ऑफ इवेपरेशन डिपेंड करता है। जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज होता है, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज होता है, एंड विंड स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपरेशन भी इंक्रीज होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं, वो हीट एनर्जी जो किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस हीट एनर्जी के अमाउंट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जस्ट अपोजिट अगर ये प्रोसेस मेल्टिंग में हो रहा है तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, कुछ क्वांटिटीज हैं जिसके यूनिट्स दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। सेकंड क्वांटिटी इज लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं और इसका सिंबल होता है स्मॉल m। मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, इसे हम डिनोट करते हैं kg से, स्मॉल kg, है ना, याद रखेंगे केल्विन का k बड़ा होता है, केल्विन साइंटिस्ट का नेम है इसलिए k हमेशा कैपिटल ही होगा। ओके, मास का, मास का जो मेजरमेंट होता है वो किलोग्राम में होता है और उसका सिंबल होगा स्मॉल kg। वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और इसका सिंबल होता है कैपिटल N, बिकॉज न्यूटन इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट नेम, इसलिए हम इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी साइंटिस्ट का जो नाम होता है ना, उस नेम पे अगर कोई सिंबल रखा जाता है तो उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। केल्विन साइंटिस्ट का नाम है इसलिए के हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है इसलिए एन हमेशा कैपिटल लिखते हैं, पास्कल भी साइंटिस्ट का नेम है इसलिए पास्कल का पी हमेशा कैपिटल होगा। ओके,
वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है एंड द सिंबल इज एम टू द पावर क्यू। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, इसका सिंबल होता है केजी मीटर माइनस क्यू, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी बाई एम क्यू। ठीक है, जब ये बाई में जो एम क्यू दिया हुआ है ये इसको जब हम कन्वर्ट करके ऊपर लाते हैं तो इसे हम एम माइनस क्यूब लिखते हैं। ओके, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का प्रेशर को हम मेज़र करते हैं पास्कल में, और इसका इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी स्मॉल ए, पी ए से, पास्कल का शॉर्ट फॉर्म पी ए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। और इस चैप्टर से रिलेटेड फ्रेंड्स जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे उसके मैंने क्वेश्चन आंसर शॉर्ट्स में डाल दिए हैं, आप उसे एक रिवीजन के तौर पर आप उसे देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि डिटेल्स वर्जन भी इसका क्वेश्चन आंसर करा दूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।